सेवा समिति के माध्यम से महिला जागृति शिविर का किया गया आयोजन। मध्य प्रदेश छतरपुर जिले के खजुराहो के बस स्टैंड पर शिक्षक दिवस के अवसर पर एक आवाज हम सबकी सेवा समिति के माध्यम से महिला जागृति शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष कविता राजे रही। विशिष्ट अतिथि पूर्व टीचर खजुराहो गायत्री सिंह, समिति अध्यक्ष निसार खान आदि लोग उपस्थित रहे। अतिथियों ने सबसे पहले टीचर का सम्मान किया और महिलाओं के हक अधिकारों की बात कही। बच्चियों ने विभिन्न गीतों के माध्यम से सभी का मन मोह लिया। कविता राजे ने महिलाओं के लिए पूरा सहयोग करने और महिलाओं की आज की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। सरकार की कोई भी योजना नहीं चलती जिससे महिलाओं को लाभ मिल सके। प्रजापति खुशी प्रजापति रिश्ता लखेरा रिश्ता लखेरा जितुलाल सिंह हरे यशुलाल सिंह हरे यशुलाल सिंह हरे और आदरणीय सुरेश जी, आदरणीय पप्पू भैया, आदरणीय विनोद भारती जी, संजय जी उपस्थित, हमारी छोटी छोटी बच्चियां, नारी शक्ति उपस्थित, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सभी को मैं आज शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और मैं आज आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि आज ये जो प्रोग्राम है, एक महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी आवाज को आगे उठाने के लिए हो रहा है और बहुत अच्छा अवसर है, वो है शिक्षक दिवस। इससे बेहतर अवसर इस प्रोग्राम के लिए नहीं हो सकता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं सर्वप्रथम अपने प्रथम गुरु मेरी माँ, उनको आज धन्यवाद कहना चाहूंगी क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ शिक्षा दे मैंने पाई है, कहीं ना कहीं ये उन्हीं की धरोहर है। एक आवाज हम सबकी सहमति के इस अवसर पर इस प्रोग्राम को, इस समिति के को जिन्होंने बनाया, आदरणीय निसार भाई, हमारे बीच एक शिक्षिका बैठी हुई है। मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप लोग तालियों से स्वागत कर देंगे क्योंकि आज के दिन हम मंच पर एक और सभी लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ कि जो नहीं इससे जुड़े हैं और जो नहीं मतलब कार्य कुछ आगे नहीं बढ़ना चाहती है महिला, इससे जुड़े और आगे बढ़े, अपने पैरों में खड़ी हो। और ये बताना चाहती हूँ रानी साहब का भी, सिर्फ रानी साहब का यहाँ पर इंतजार था, हमें बहुत से दिल में खुशी हुई है जो रानी साहब हमारी समक्ष बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला जगह का तो बहुत दूर से जाएगा पंजाब में, जो भी न्यूज बनती है खानता इंटरनेशनल न्यूज बनती है क्योंकि महान साहब यहाँ बैठे हुए हैं और जो भी यहाँ से मैसेज जाएगा महिलाओं के सम्मान में प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है दिल्ली में भी मिलेगी। इन्हीं सब को मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। स्वागत स्वागत